हर चुनाव के पहले झूठी खबरें तेज रफ्तार से फैलने लगती हैं। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के आने वाले चुनाव में देखा जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठी खबरों का निशाना बने, तो उधर एमपी कांग्रेस को सेक्स रैकेट से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश करी गई। अब हमारे प्रिय हिंदू भाई को संबोधित करते हुए कांग्रेस को इंडिया से निकालो संदेश वायरल हो गया है। इसमें जले हुए शवों की भयानक तस्वीर को प्रस्तुत किया गया है, जैसे ये गोधरा 2002 की ट्रेन दुर्घटना की तस्वीर हो। एक फेसबुक ग्रुप आई सपोर्ट योगी के नाम से ये संदेश हजार बार से अधिक शेयर किया गया। इसके अलावा आई सपोर्ट नमो और आयरन मैन मोदी लोह पुरुष मोदी के नाम के ग्रुप्स ने भी इसे शेयर किया। तो आखिर इस छवि का सच क्या है? तस्वीर गोधरा की नहीं है। 8 साल पहले 2010 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक गांव में पेट्रोल टैंकर के विस्फोट से 200 से अधिक लोग जल के मर गए। अल जजीरा, रॉयटर्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, BBC आदि विदेशी चैनलों ने इसे कवर किया था। इस घटना की भयानक तस्वीरें www.documentingreality.com की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत हैं। यही पिक्चर 2017 में भी वायरल हो गई थी और उस टाइम पर उस पे टेक्स्ट था, रोहिंग्या लोग जलाए गए। इंडिया टुडे ने उसी समय चेक करके फेक न्यूज बताया था। तस्वीरें बहुत आसानी से अलग अलग रूप में प्रकट करी जा सकती हैं और साथ साथ प्रचार प्रसार भी बदला जा सकता है। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया उसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें, ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।